तो दोस्तों शुरुआत करते हैं थोंग एक हर्बल मास्टर पार्ट 3। ग्लास शबा को पीछे से हक कर लेता है, तो फिर शबा उससे दूर हटती है और पूछ रही होती है कि तुम्हें सॉर्ड फाइटिंग कैसे आती है। ग्लास कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए सॉर्ड फाइटिंग सीखी है ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं, और साथ ही में मैंने गन को हैंडल करना भी सीख लिया है। शबा ग्लास से बोल रही होती है, क्या तुम मुझे गन चलाना सिखा सकते हो? ग्लास मना करता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हें यह सब सीखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शबा दोबारा फाइट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जब वो जीत नहीं पा रही होती है तभी वो ग्ला के फेस पर एक पंच मारती है और उसके बाद अपनी वुडन स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है। फिर वो हंसते हुए बोल रही होती है कि तुम अभी भी नूब हो, तुम्हें और सीखने की जरूरत है, और ये कहकर वो चली जाती है। इधर दूसरी ओर जो थोंग के ग्रैंडफादर होते हैं अपनी मेडिसिन किट लेकर कहीं जा रहे होते हैं। पियाग उनके पास जाकर पूछ रहा होता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो, तो फिर ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि मुझे एक पेशेंट को ठीक करने के लिए जाना है और तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम सारे यहीं पर रहना, बाहर खेलने के लिए मत जाना। ये कहने के बाद वो थोंगे की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन थोंगे को उनकी तरफ नहीं देखता। फिर ग्रैंडफादर एक छोटा सा वुडन का पीस लेते हैं और थोंगे पर मारते हैं। थोंगे बोल रहा होता है कि आपको दिख नहीं रहा कि मैं आप पे गुस्सा हूँ, तो फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे तुम पे गुस्सा होना चाहिए ना कि तुम्हें। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद थोंगे के टून और प्याग से बोल रहा होता है कि ये आइडिया तो काम नहीं आया, चलो ऐसा करते हैं कि हम बाहर चलते हैं मज़े करने के लिए। ग्ला अपने घर पे पहुंच गया होता है, तो फिर उसकी मॉम उसका हाथ देखती है और पूछ रही होती है कि तुम्हें चोट कहाँ से लगी, अभी अभी तुम घर पे आए हो। ग्ला बोल रहा होता है कि जिस लड़की को मैं प्यार करता हूँ उसकी वजह से मुझे चोट लगी है, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो फिर आप मेरी मैच मेकर बन जाओ। ग्ला की मॉम उसकी बात मान जाती है, वहाँ पर उसकी सिस्टर भी होती है और वो ग्ला से पूछ रही होती है कि आप वाकई में वो लड़की है जिसे कि तुम पसंद करते हो। ग्ला कह रहा होता है कि मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन एक ना एक दिन मैं उसका दिल जीत लूँगा। थोंगेक पियाग टून तीनों फॉरेस्ट में होते हैं। फिर वो दोनों थोंगेक की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। एक एक करके वो हर्ब्स लेकर आ रहे होते हैं और थोंगेक को स्मेल करा रहे होते हैं। थोंगेक सारी हर्ब्स के नाम बता देता है, तभी उसे अचानक से अजीब सी महक आती है, तो फिर वो पूछ रहा होता है कि यहाँ पर कौन है, तुम बाहर निकलो। तभी पोंग वहाँ पर आ जाती है। थोंगेक पोंग के पास जाता है और उसे कुछ मेडिसिन और खाने की चीज़ें दे रहा होता है। वो चीज़ें देने के बाद वो तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन पोंग अभी भी उनके पीछे आ रही होती है। टून उसे देख लेता है और वापस जाने को कह रहा होता है, लेकिन वो वापस नहीं जाती। फिर थोंग एके पोंग को समझाता है और पोंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो तीनों मार्केट की ओर जा रहे होते हैं, तो फिर थोंग एक चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मेरी चोंगो, मैं तुम्हें देखने के लिए आ रहा हूँ। पियाग थोंग एक से बोल रहा होता है कि तुम ये मत कहो कि वो तुम्हारी चोंगो है, वैसे भी वो तुम्हारे जैसे अगले लड़के को पसंद नहीं करती, वो मुझे पसंद करती है। टून उन दोनों को चुप कराता और कह रहा होता है कि तुम दोनों लुक्स के बारे में केयर करते हो, लेकिन मैं नहीं करता, मैं सिर्फ केयर करता हूँ कि मैं किसके साथ हुकअप करूँगा। अचानक से थोंगे के रुक जाता है, तो फिर वो पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों रुके हो। फिर वो उस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ की ओर जा रहे होते हैं, तभी उसे वहाँ पर थोंगे के ग्रैंडफादर दिखाई देते हैं। ग्रैंडफादर एक टांगे से घर जा रहे होते हैं, तो फिर थोंगे बोल रहा होता है कि हमें उनसे पहले घर पहुँचना होगा। वो तीनों भागना स्टार्ट करते हैं, फॉरेस्ट के रास्ते घर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर शबा पहुँच जाती है और बोल रही होती है कि तुम तीनों ने मेरी टेरिटरी में कदम रखा है। पियाग शबा से बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम हमें जाने दो, अगर हम ग्रैंडफादर से पहले घर नहीं पहुँचे तो फिर हमें बहुत मारेंगे। शबा बोल रही होती है कि तुम तीनों दोबारा बिना परमिशन के बाहर आए हो, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी इतनी आसानी से, मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है, क्यों ना तुम मेरे डमीज बन जाओ। थोंगे बोल रहा होता है क्यों ना हम बाद में प्रैक्टिस करें, लेकिन शबा नहीं मानती और वो उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन किसी तरीके से वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ग्रैंडफादर घर पर पहुँच गए होते हैं और वो थोंगे को बुला रहे होते हैं। फिर ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि थोंगे अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया खेलने के लिए। फिर वो एक स्टिक ढूंढने के लिए जाते हैं ताकि वो उन तीनों को पीट सकें। जब तक वो स्टिक लेकर वापस आते हैं तब तक वो तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं पीछे के रास्ते से और चुपचाप ज़मीन पर बैठ जाते हैं। उन तीनों की सांसें फूल रही होती हैं, तो फिर ग्रैंडफादर पूछ रहे होते हैं कि तुम तीनों कहाँ थे, बाहर गए थे क्या? थोंगे मना करता है, वो कह रहा होता है कि हम तीनों तो घर पर ही थे और वैसे भी हम थोड़े ना थके हैं, ये तो हमारे लंग्स थके हुए हैं। ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं क्या तुम वाकई में सच बोल रहे हो? थोंगे बोल रहा होता है क्या हम आपसे झूठ बोलेंगे, आपको हम पे भरोसा नहीं है? ग्रैंडफादर मान जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। शमन मून अपने घर पे होती है, फिर वो अपनी पार्टनर के पास जाके पूछ रही होती है कि यहाँ पर इतनी शांति क्यों, अभी तक लोग क्यों नहीं आए? उस पार्टनर का नाम होता है पंग। तो फिर पंग शमन मून से बोल रही होती है कि वो सारे लोग अब मास्टर थोंगेन के पास जाते हैं। थोंगेन एक हर्बल मास्टर है जो कि टेम्पल के पीछे रहते हैं। कुछ देर बाद शमन मून और उसकी पार्टनर पंग ग्ला की मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। ग्ला की मॉम पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो फिर शमन बोल रही होती है कि मैं आपके बारे में जानने आया हूँ कि आपकी तबीयत कैसी है। ग्ला की मॉम बोल रही होती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तभी शमन कह रही होती है कि अगर आप आइंदा बीमार पड़ो तो फिर आप दोबारा मेरी दवाई लेना। ग्ला की मॉम हंसने लग जाती है और कह रही होती है कि मैं तुम्हारी दवाई से ठीक नहीं हुई बल्कि मास्टर थोंगेन की दवाई से ठीक हुई हूँ, उनकी दवाई खाने के बाद मेरे फेस में ब्राइटनेस आ गई है, तो फिर मैं भी तुम्हें ये सलाह दूंगी कि तुम भी उनकी दवाई खाओ क्योंकि तुम बूढ़ी हो रही हो और तुम्हें भी ब्राइटनेस की जरूरत है अपने फेस में।
ये कहकर वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। थोंग एक पोंग के घर के बाहर होता है और वहाँ पर वो उसके लिए कुछ बना रहा होता है। कुछ ही देर बाद पोंग अपने घर से बाहर निकलती है तो फिर थोंग एक बहुत बड़ा बोल आता है और वो पोंग को दे देता है। उस बोल में हर्बल ड्रिंक होती है तो फिर पोंग उसे पीने जा रही होती है, तभी थोंग एक उसे रोकता है और बोल रहा होता है कि ये तुम्हारे बाल धोने के लिए ना कि पीने के लिए। इधर थोंग एक के घर पर जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। पियाक और टून ग्रैंडफादर के पास जाते हैं और उनसे बोल रहे होते हैं कि आपको जो भी काम करवाना है आप मुझसे करवा लो। ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि मुझे मसाज की ज़रूरत है। फिर वो देखते हैं कि उनके बैक यार्ड में कुछ लकड़ियाँ जल रही होती हैं और उनके ऊपर एक घड़ा रखा होता है। फिर वो टून से पूछ रहे होते हैं कि किसने यहाँ पर मेडिसिन ब्रू की है। टून कह रहा होता है कि हमने यहाँ पर सूप बनाया था, ना कि मेडिसिन ब्रू करी थी। शबा के फादर घर में सबको इकट्ठा करते हैं और उन्हें पैसे दे रहे होते हैं। शबा की मम पूछ रही होती हैं कि आप सारे पैसे क्यों दे रहे हो, तो फिर उसके फादर बोल रहे होते हैं कि मुझे आज एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है इस वजह से। पैसे लेने के बाद वो सारे मार्केट चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। उन सब के जाने के बाद एक सर्वेंट शबा के फादर के पास जाती है और उनसे बोल रही होती है मुझे पता है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले क्योंकि मैं आपका सीक्रेट जानती हूँ। फिर शबा के फादर कुछ और पैसे निकालते हैं, उस सर्वेंट को देते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम ये सीक्रेट किसी को मत बताना। वो सारे मार्केट में पहुँच गए होते हैं और वहाँ पर कपड़े खरीद रहे होते हैं। शबा पम को अपने साथ दूसरी शॉप पर ले जाती है और वहाँ पर कुछ शॉर्ट्स देख रही होती है। पम शबा से कह रहा होता है कि तुम इन सब चीज़ों को कॉस्मेटिक बोलती हो ना। फिर शबा अपने लिए कुछ शॉर्ट्स पिक कर रही होती है, तभी पम को वहाँ से एक लड़की जाती हुई दिखाई देती है, तो फिर उस लड़की के पीछे जाता है एक शॉप तक। शॉप पर पहुँचने के बाद वो लड़की के पास बैठ जाता है और अपनी कुछ पिकअप लाइन बोल रहा होता है उस लड़की के लिए। वो लड़की ग्लास की सिस्टर होती है जिसका नाम होता है ग्लिन। ग्लिन उन लाइन से इंप्रेस हो जाती है और वो पम की ओर देखकर मुस्करा रही होती है। शबा एक शॉप पर जाती है जहाँ पर उसे एक बाइसाइकिल दिखाई देती है और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तभी वहाँ पर ग्लाबी पहुँच जाता है और उस शॉपकीपर से बोल रहा होता है कि ये बाइसाइकिल मैं खरीद रहा हूँ। शॉपकीपर बोल रहा होता है कि जो भी तुम दोनों से मुझे ज़्यादा पैसे देगा मैं उसे ये बाइसाइकिल बेचूंगा। शबा गुस्से में आती है और बोल रही होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तो फिर ग्ला कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये बाइसाइकिल मैं तुम्हारे लिए ही खरीद रहा हूँ। शबा कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर उसे पम और रोंपो मिलते हैं, फिर वो उन दोनों के साथ घर जा रही होती है। साथ चलते हुए वो सारी बातें उन्हें बता देती है, तो फिर रोंपो शबा से बोल रहा होता है कि तुमने वो बाइसाइकिल एक्सेप्ट क्यों नहीं की। शबा कह रही होती है कि अगर मैं वो बाइसाइकिल ले ली थी तो फिर मुझे हमेशा उसके कर्ज में रहना पड़ता। अगले दिन थोंग के घर पर होता है, फिर ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं और उसे कुछ मेडिसिन देकर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ये मेडिसिन शबा के घर पर पहुँचानी है। पियाग थोंग से बोल रहा होता है कि तुम संभल कर उसके घर जाना, अगर वो तुम्हें देख लेगी तो फिर तुम्हारा गला काट देगी। ये कितने दुख की बात है कि वो इतनी ब्यूटीफुल लड़की फिर भी वो एक राउडी की तरह बिहेव करती है। थोंगक बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए, मुझे तो कहीं से वो ब्यूटीफुल नहीं लगती। शबा भी अपने घर पे होती है और वहाँ पर कुछ सब्जियाँ काट रही होती है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर थोंगक के पहुँच जाता है। जैसे ही शबा उसे देखती है तो फिर अपने फादर के रूम में जाती है और वहाँ से उनकी स्वॉर्ड लेकर आती है। शबा पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वहाँ पर शबा की मॉम आती है और उसके पास जाकर उसे बोल रही होती है कि तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड कहाँ से आई है, तो तुम्हारे फादर की है। शबा शॉट को दूर फेंक देती है और कह रही होती है कि ये शॉट थोड़ी ब्लंट लग रही थी इस वजह से मैं इसे देख रही थी। इसके बाद शबा की मम से समझा रही होती है कि तुम्हें शॉट और नाइफ पकड़ने नहीं चाहिए, अगर तुम्हें कोई नाइफ पकड़ना है तो फिर वो किचन नाइफ होना चाहिए। देखो तुमने सिर्फ एक ही बार शॉट पकड़ी और तुम्हारे हाथ कैसे हो गए हैं, जबकि सिर्फ घर पर तुम गार्लैंड ही बनाती हो। ये सुनते ही थोंगे हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है कि आपको गलतफहमी हुई है। शबा थोंगे के पास जाती है और उसका मुंह बंद करके उससे बोल रही होती है कि अगर तुमने कुछ भी बताया मेरी मम को तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। शबा की मॉम शबा को दूर करती हैं। फिर वो थोंगे से बोल रही होती हैं कि तुम क्या बोलने वाले थे। शबा अपनी मॉम से कह रही होती है कि ये बोलने वाला था कि मैं स्वॉर्ड फाइटिंग देखने के लिए जाती हूँ और थोंगे को भी वो बहुत पसंद है, तो फिर वो चाहता है कि मैं भी उसे लेकर जाऊँ। थोंगे कुछ भी नहीं बोलता और वो उसकी मॉम को मेडिसिन देकर जा रहा होता है। शबा की मॉम उसे रोकती है और कह रही होती है कि तुम्हें कुछ पैसे लेने होंगे, लेकिन वो मना कर देता है। फिर शबा की मॉम बोलती है भले तुम पैसे मत लो बट कुछ चीज़ें ले जाओ, यानी कि फल फ्रूट। शबा अपनी मॉम को रोक लेती है और कह रही होती है कि आप इतना छोटा सा काम मत करो, ये मैं प्रिपेयर कर लूँगी इसके लिए। फिर शबा थोंगे को अपने बैकयार्ड में लेकर जाती है और वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स मंगवा लेती है। थोंगे को उन्हें देखने के बाद परेशान होता है, कह रहा होता है कि मैं इन सबको नहीं ले जा पाऊँगा। शबा कह रही होती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी है। फिर वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बास्केट मंगाती है और उसमें सारे फ्रूट्स रख देती है। थोंगे एक बास्केट उठाता है और घर तक लेकर जा रहा होता है। आधे रास्ते तक वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। फिर वहाँ पर पियाक और टून पहुँच जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। जब वो बास्केट उठा लेते हैं तो फिर थोंगक बोल रहा होता है कि तुम्हें टॉयटिंग को पकड़ना होगा। टून पूछ रहा होता है कि ये टॉयटिंग कौन है, तो फिर थोंगक बोल रहा होता है कि वो एक पिक का बच्चा है जिसे कि मुझे दिया है शबा ने।
उसे पकड़ने के बाद वो सारा सामान घर पे रख देते हैं। तभी वहाँ पर से ग्रैंडफादर उसे बता रहे होते हैं कि तुम तीनों को मॉन्क ने बुलाया टेंपल में। वो तीनों टेंपल में पहुँचते हैं और वहाँ पर थोंगे के मॉन्क से बोल रहा होता है, हमने सुना है कि आपको हमारी ज़रूरत है, लेकिन आप कुछ आसान काम देना क्योंकि मेरा जो आज का डे रहा है वो काफ़ी रफ है। मॉन्क पियाक और टून से पूछ रहे होते हैं कि तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है। पियाक कह रहा होता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन ये टून और थोंगे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं। फिर टून मॉन्क से कहता है कि पियाक बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये हमेशा बिजी रहता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है क्योंकि ये लड़कियों को छेड़ता है। मॉन्क उन दोनों को डांट कर चुप कराते हुए कह रहे होते हैं कि तुम दोनों को खाओ की हेल्प करनी है बॉडी को दफनाने में। वो तीनों खाओ के पास जाते हैं, फिर खाओ उन्हें डेड बॉडी के पास लेकर जाता है। जो आदमी मरा होता है उसका नाम होता है बॉबी। तो फिर टून खाओ से बोल रहा होता है कि तुम इसे बाइंड क्यों कर रहे हो। खाओ बोल रहा होता है कि मैं बॉबी को बाइंड नहीं कर रहा, सिर्फ उसके हाथों को कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी कॉफिन नहीं है, तो फिर तुम्हें बॉबी को ऐसे सिमेटरी तक लेकर जाना होगा। वो तीनों डर जाते हैं। पियाक बोल रहा होता है क्यों ना हम इसे अभी लेकर चलें क्योंकि अंधेरा होने वाला है। खाओ मना करता है, वो कह रहा होता है कि बॉबी अननेचुरली मरा है तो फिर मुझे उसकी स्पिरिट को स्पेल बाउंड करना होगा। इधर शबा के घर पे ग्ला और उसकी बहन ग्लिन मिलने के लिए आए होते हैं। इधर फॉरेस्ट में जहाँ पर बॉबी की बॉडी होती है, फिर वहाँ पर खाओ आता है और वो चारों तरफ एक स्क्वायर बनाता है थ्रेड से। खाओ बॉबी के पास बैठ जाता है और वो कुछ खा रहा होता है, तो फिर थोंगे उससे बोल रहा होता है कि तुम ये सैक्रिफाइशल फूड क्यों खा रहे हो। खाओ कह रहा होता है कि ये ऑफरिंग का फूड नहीं बल्कि ये मेरा फूड है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया है। खाना खाने के बाद खाओ कुछ मन पड़ने लग जाता है। रात हो गई होती है तो फिर ग्ला और ग्लिन दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। तभी ग्ला रोमपोई की ओर इशारा करता है, तो फिर रोमपोई शबा से बोल रहा होता है क्यों ना तुम भी हमारे साथ बाहर चलो, हमने कई दिनों से क्रिकेट नहीं पकड़े हैं। शबा उसकी बात मान जाती है और सारे साथ में जा रहे होते हैं। इधर दूसरी ओर थोंगे पियाक और टून बॉबी की बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं। उसी टाइम पर टून को बाथरूम जाना होता है, तो फिर वो बॉबी की बॉडी को वहीं पर छोड़ देते हैं और वो तीनों फॉरेस्ट में चले जाते हैं। दूसरी ओर से शबा भी आ रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक क्रिकेट दिखाई देता है। जैसे वो क्रिकेट को पकड़ने जा रही होती है, वो क्रिकेट बॉबी की बॉडी पर जाकर बैठ जाता है। क्रिकेट को पकड़ने के चक्कर में शबा बॉबी की बॉडी को टच कर लेते हैं। जैसे वो सारे उसकी बॉडी को देखते हैं, तो फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। शबा फॉरेस्ट में पहुंच जाती है और वहां पर प्रेयर कर रही होती है। तभी वहां पर थोंगेक और पियाक टून पहुंच जाते हैं। थोंगेक शबा से बोल रहा होता है, क्या तुमने दोबारा किसी गोश्त को देख लिया है कि तुम इतनी डरी हुई हो। शबा कुछ भी नहीं कहते और वहां से जाने लग जाती है। तो फिर थोंगेक बोल रहा होता है कि दिन में तो तुम इतनी बहादुर बनती हो, लेकिन अभी तुम इतनी डरी हुई हो। शबा वापस थोंगे के पास जाते उससे बोल रही होती है कि तुम मुझे घर तक छोड़कर आओ क्योंकि मैं रास्ता भटक गई हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को बता दूंगी तुम्हारे बारे में कि तुम बाहर घूमने के लिए जाते हो उनकी परमिशन के बिना। पियाक थोंगे से बोल रहा होता है कि तुम उसकी हेल्प कर दो, अगर ग्रैंडफादर को पता चल गया तो फिर हम तीनों को बहुत ज़्यादा पीटेंगे। थोंगेक मान जाता है और वो शबा को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में थोंगेक शबा को बहुत बार डराता है। शबा थोंगे को पीटना स्टार्ट कर देती है और वो ऐसे ही करके घर तक पहुँच जाते हैं। अगले दिन पोंग अपने घर के बाहर एक तालाब होता है, वहाँ पर बैठी होती है और वो नहा रही होती है। कुछ देर बाद थोंगेक पोंग से मिलने के लिए उसके घर में जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। फिर वो बाहर पोंग को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। उसे देखने के बाद वो वहाँ से जा रहा होता है। वो लड़की थोंगेक को रोकते उसे बता रही होती है कि मैं पोंग हूँ। जैसे ही थोंगेक पोंग को देखता है तो फिर वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि पोंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 3।